पंक्चुएशन ये मैं दूसरी वीडियो बना रहा हूं। लिखते समय उचित विराम चिन्हों का प्रयोग पंक्चुएशन कहलाता है। ये बहुत ही जरूरी चीज है, लिखते समय विराम चिन्ह लगाना। बहुत सारे चिन्ह होते हैं, इसके बारे में पहले भी बता चुका हूं। आज सिर्फ मैं कॉमा के बारे में बताऊंगा, अर्ध विराम कॉमा ये चिन्ह होता है। मैंने निशान भी बनाया है, इसका चिन्ह भी बनाया है, COMMA कॉमा अर्ध विराम, COMA कॉमा बेहोशी को कहते हैं। तो अंतर है दोनों में, स्पेलिंग में, बेहोशी में और इसमें अर्ध विराम में। अब देखें पहला नियम कॉमा लगाने का क्या है। एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के तीन या तीन से अधिक शब्दों को अलग करने के लिए, देखें आई बॉट, अब मैं दुकान पे गया, मैंने क्या क्या चीजें खरीदी, तो आखिरी चीज को तो एंड से जोड़ते हैं, जो आखिर में लिखते हैं, बाकी को कॉमा। आई बॉट, मैंने खरीदी किताबें, कॉमा पेन, कॉमा पेंसिल, कॉमा एंड ए नोटबुक और एक कॉपी। इस तरीके से मैं हम जब कई चीज खरीदते हैं किसी दुकान से तो और उसका नाम लिखते हैं, तो आखिर का जो चीज खरीदी है जो लिखेंगे वो एंड से जोड़ेंगे, बाकी सब कॉमा से जोड़ेंगे। दूसरा, किसी को संबोधित करने के लिए, रवि यहां आओ, रवि यहां आओ, रवि कम हियर। तो जब हम संबोधित करते हैं किसी को तो उसके आगे कॉमा लगाते हैं, नाम के आगे, रवि कॉमा कम हियर, यहां आओ। अगला देखें तीसरा नियम कॉमा लगाने का, क्लॉजेस को अलग करने के लिए, क्लॉजेस को अलग करने के लिए। इफ ही कम्स, अगर वो आता है तो एक हो गया, तो कॉमा लगाएंगे इसके आगे दूसरा क्लॉज लिखने के लिए। ही विल हेल्प मी, अगर वो आता है तो वो मेरी मदद करेगा, तो यहां पर तो लगेगा नहीं, तो की अंग्रेजी नहीं आएगी, तो की अंग्रेजी होती है देन, वो नहीं आएगी THEN देन, बल्कि उसके स्थान पर कॉमा लगेगा, दोनों को अलग करने के लिए कॉमा लगेगा। रिपोर्टेड स्पीच को सेंटेंस से अलग करने के लिए, अब देखिए इसको देखें, ही सेड टू मी, ये रिपोर्टिंग स्पीच है और ये रिपोर्टेड स्पीच है जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, ये डायरेक्ट का सेंटेंस है और इन दोनों को अलग करने के लिए कॉमा का प्रयोग किया जाता है। जी जी, और उसके बाद आएगा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, तो ही सेड टू हिम कॉमा। इस तरीके से डायरेक्ट स्पीच लिखते समय हमें ऐसा करना चाहिए और जरूरी है बिल्कुल। और ट्रांसलेशन में बहुत ही जरूरी चीज है, क्योंकि ट्रांसलेशन में तो वैसा का वैसा ही लिखेंगे जैसा हिंदी में लिखा हुआ होता है, तो इसलिए हमें जानना चाहिए कि कॉमा जरूर लगेगा। यस या नो के बाद हाँ या ना, अब किसी किसी ने कुछ पूछा तो आप उत्तर दे रहे हैं, यस या नो शुरू में बोल रहे हैं तो आपको कॉमा लगाना होगा। जैसे यस वी शैल गो देयर, हाँ हम वहां जाएंगे, वी शैल गो देयर, हाँ हम वहां जाएंगे, तो हाँ के बाद कॉमा लगेगा अंग्रेजी में यस। नो के बाद भी ऐसा कॉमा लगेगा, नो वी शैल नॉट गो देयर, नहीं हम वहां नहीं जाएंगे, तो नहीं यानी नो के बाद कॉमा लगेगा। अब देखें एपोजिशन, समानाधिकरण, समानाधिकरण का अर्थ क्या है, इसको अलग करने के लिए, एपोजिशन को अलग करने के लिए। अब देखें सीता और वाइफ ऑफ लॉर्ड राम, एक ही बात है, सीता वाइफ ऑफ लॉर्ड राम, दोनों एक ही बात है, यानी श्री राम जी की पत्नी और सीता एक ही बात है, सीता वाइफ ऑफ लॉर्ड राम, भगवान राम, भगवान राम की पत्नी। वाज ए ग्रेट वुमन, एक महान स्त्री थी, तो सीता के बाद कॉमा लगेगा। वाइफ ऑफ लॉर्ड राम, तो उनकी विशेषता आ गई यहां,
फिर कॉमा लगेगा दोबारा, तो इस तरीके से दो बार कॉमा लगेगा अलग करने के लिए। अब देखें पत्र में अभिवादन के बाद तथा सम्मान सूचक शब्द के बाद, जैसे जब हम पत्र लिखते हैं या सर लिखते हैं तो सर के आगे एप्लीकेशन लिखते हैं, जब सर के आगे भी कॉमा लगता है। डियर सर, डियर सर जब हम लिखेंगे तो कॉमा लगेगा उसके आगे, और फिर अंत में हम लिखते हैं योर्स सिंसियरली, सम्मानजनक शब्द का प्रयोग करते हैं, तो योर्स सिंसियरली के बाद भी ऐसा होगा, कॉमा लगेगा। मैंने देखिए बताया है। उसके बाद है कंजंक्शंस, कंजंक्शंस होते हैं जो बीच में अगर आए, हाउ एवर, देयर फोर, ये शब्द अगर वाक्य के बीच में आए तब क्या होगा, तब भी कॉमा लगेगा, वो भी दोनों तरफ। कैसे? कंजंक्शंस हाउ एवर और देयर फोर, जब वाक्य के बीच में आए तो उन्हें अलग करने के लिए कॉमा लगेगा। ही वाज, सेंटेंस देखें, ही वाज के बाद कॉमा लगा हुआ है, उसके बाद देयर फोर लिखा है। देयर फोर सैंक्शन लीव, उसकी लीव यानी छुट्टी मंजूर की गई, देयर फोर का अर्थ है इसलिए। ही वाज देयर फोर, देयर फोर के पहले भी और बाद में भी कॉमा है, तो इस तरीके से देयर फोर का प्रयोग होगा, कॉमा लगेगा दोनों तरफ। इसके बाद है डेट को, यानी डेट जो होती है दिनांक, और साल को अलग करने के लिए भी ऐसा होता है। जैसे हम लिखते हैं कि पत्र में भी लिखते हैं, एप्लीकेशन में भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मान लिया कोई सा हमने महीना लिखा और उसकी तारीख आगे लिखी, जैसे अगस्त 15, तो उसको आगे कॉमा लगेगा, अगस्त 15 1947, इस तरीके से ये अलग किया जाएगा, तारीख को साल से अलग कर दिया जाएगा। तो ये देखा आपने पंक्चुएशन को, पंक्चुएशन में कॉमा का यूज देखा आपने। ए फादर इज इक्वल टू 100 स्कूल्स, यदि पिता अपने बच्चों को ध्यान पूर्वक पढ़ाते हैं तो वो 100 स्कूल के बराबर है। पिता अगर अपने बच्चों को पढ़ाएं तो एक नहीं 100 स्कूलों के बराबर अकेला बैठता है, यानी पिता बहुत प्रेम से पढ़ाते हैं और सही ढंग से पढ़ाते हैं। तो कैसी लगी ये मेरी वीडियो पंक्चुएशन पर, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।